चार मीनार देखने के लिए यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर लंबा है। ये है नायब रोड है, आज बगल में पूरा फुटवेयर का सब मार्केट है। ये हम लोग अभी हैदराबाद के चार मीनार, बहुत सुप्रसिद्ध ये टूरिस्ट स्पॉट है, प्लेस है ये, और चार मीनार में आ गए। देखो मेरे पीछे आपको चार मीनार का गेट दिख रहा है, उसके पहले ये चार मीनार पूरा मार्केट है जो आपको बहुत रश है, आपको ऑटो के थ्रू बताया देते हैं। चलो अभी चलते हैं चार मीनार देखने भाई। हाँ कोई ले लिया भाई, भाई हमारा, अरे यार फोटो ले लिया भाई। यहाँ देखिए व्हीकल अलाउड नहीं है क्योंकि पूरा चार मीनार मार्केट है, यहाँ से सिर्फ व्हीकल राउंड जा सकते हो, अंदर एंट्री नहीं है। अंदर एंट्री नहीं है, व्हीकल के लिए एंट्री नहीं है, व्हीकल के लिए नहीं है, व्हीकल के लिए एंट्री नहीं है भाई। देख रहे हो हमारे साथ में चार मीनार का गेट हमारे पीछे, क्या ले रहे हैं अभी? हाँ हाँ हाँ, ये सब मार्केट ही मार्केट है बैंगल हैदराबाद। यस हाय, देखो ये हैदराबादी हमारे फैंस है भाई, मिलते और हाय करना भूलते नहीं, क्यों? बहुत रश है, बहुत रश है, और हमारे फैंस भी है। अभी ये हमारे सामने एकदम एग्जैक्ट चार मीनार गेट है, वर्ल्ड फेमस। ये ऊपर भी जा सकते हैं, देख ऊपर, देख देख जा रहे हैं ना, बहुत लोग जा रहे हैं वैसे। हाँ लगा आपको ये भाई, चार मीनार का मार्केट है और चार मीनार में जो मज़ा है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। हाँ मोती, पन्ना, बेंगल्स और डायमंड, जैसा चीज जो चाहिए यहाँ के लो, और चार मीनार के मार्केट भाई साहब करो। भाई साहब कैसा लगा ये? ये कैसा लगा यहाँ देखो जरा। अरे वाह, देखिए आप, हमारा चैनल आनंद एंड भवानी ब्लॉग पहुंच गया है हैदराबाद के चार मीनारा में भाई। हाँ। यहाँ का हैदराबाद बिरयानी के साथ में ये चार मीनारा भी बहुत फेमस है। अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं कैमरामैन किशोर के साथ में। हाँ कैमरामैन किशोर के साथ में, तीन टिकड़ी आनंद एंड भवानी किशोर। मंदिर भी है यहाँ, देखिए मैं आपको महादेव मंदिर दिखा रहा हूँ मैं जस्ट। अरे ऊपर भी टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, क्या ले रहा है तुम? यहाँ यहाँ कुछ पूछ रहा है क्या? ये हैदराबादी बैंगल से ही है क्या? हाँ 8 रुपीस का है, पैर रहता है। हाँ एक चीज तो लेके जा ही सकते हैं भाई। ये देखिए हार भी एकदम पूरा सजा धजा, बैंगल्स ले रहे जो हैदराबाद का फेमस बैंगल है, ये लाख फेमस बैंगल है, लाख बैंगल रहेगा, ये हैंडमेड आइटम है हैदराबाद का, ये लोकल टिपिकल आइटम है यहाँ का। हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अपने फैमिली के लिए ले लिया है, बैंगल्स वगैरह ले लिया है। ये बच्चे लोग हाय बोलो बच्चा, तुम्हारा यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगा। चलो कहाँ से देखते हो, आ जाओ वहाँ से एंट्री, वहाँ से एंट्री है ये। हम लोग ऊपर जाएंगे, टिकट लिया 25 रुपये पर पर्सन, और ऊपर जा रहे हैं, टॉप से व्यू दिखाएंगे आपको। चलो 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 चलो, हाँ तुम लोग तो और संभालो भाई, तुम लोग शाकाल हो गए हो। हाँ ये देखिए भवानी इधर आके गया था, अपनी प्यार की निशानी लिख के गया भाई। हाँ यही सब लोग है जो नेशनल मॉन्यूमेंट को खराब करते हैं भाई। ऑलमोस्ट 4 फ्लोर तक चढ़ा गया है और स्पाइरल स्टेयरकेस है इसलिए बहुत, और सीढ़ियाँ भी स्टेप्स बहुत हाइट में जा रहा है, हम ऊपर तक तो आ गए हैं, अब देखते हैं। बहुत ले जा, 4 फ्लोर से हम लोग ऑलमोस्ट 4 चढ़ गए हैं अभी, ये हम लोग 4 मीनार के अंदर है अभी। हाँ इधर भी कहा है, इधर जगह खाली है। ये
यहाँ लाइन लगा के लोग कर रहे थे, कुछ होगा लगता है, बाहर निकलने की जगह है। हाँ, और ये बाहर निकलने की जगह एग्जिट प्लेस है। मार्केट का व्यू और टोटल एक कुछ और मॉन्यूमेंट है जो मुझे पता नहीं, पर देखते हैं वहाँ भी लोग जा रहे हैं। वैसे चार मीनार के टॉप फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ से मतलब ये फोटोग्राफ वगैरह सब ले लिया है। छोटे से वीडियो क्लिप में आपको बता दिया हूँ, यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, मतलब कैमरा अलाउड नहीं था, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और अभी हम लोग उतरेंगे और देख लीजिए चार मीनार 9 से 10 के ऐसे हमारे साथ चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना और गोलकुंडा का हम लोग फोर्ट है, वहाँ जाएँगे और वहाँ का भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। हाँ, यहाँ मंदिर अभी आप देख लीजिए कि कैसा, मतलब देखिए कि हमारे साथ हमने आपको चार मीनार घुमा दिया है हैदराबाद का, तेलंगाना स्टेट का, और कैसा लगा आपको देखिए और हमको अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। चार मीनार जो मेरे यहाँ देख रहे हो, इसका लेफ्ट साइड व्यू है। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह, गोलकुंडा विलेज। उसके पहले हम चाय पियेंगे, हैदराबादी चाय। ये निमरा कैफे बेकरी है। काफ़ी भीड़ है यहाँ, देखिए मार्केट में यहाँ है। अभी हम भी चाय पियेंगे। हाँ चलेगा, चाय और बिस्किट आ गया है, चाय की तरफ चाय और बिस्किट आ गया है। और ये बिस्किट क्या बात है, अरे बन मस्का नहीं खाऊंगा रे, बन खाऊ अरे चाय। देखो भाई ये कौन सी कंपनी की चाय, कराची की चाय। एक ही लिया, पैसा तो नहीं लिया लेगा, कौन सा जाएगा, चार गेट है कहीं भी पकड़ ले क्या है। और क्या अच्छा, देखो इतने टाइप की बिस्किट दिया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। देखिए मेरे बैकग्राउंड में पीछे चार मीनार है और चार मीनार के सामने चाय और नाश्ते का भी दुकान है। बहुत अच्छी है, अच्छा लगा, एकदम रॉयल चीज़ लग रहा है। और तुम्हारी बिस्किट बहुत अच्छी है, यहाँ आके हमेशा ट्राई करो। भवानी एजेंसी भी आ गया है। अरे बाप रे, भवानी ने भी इधर से एजेंसी खोल दिया है, भवानी मार्केट से। हम लोग अब जा रहे हैं गोलकुंडा और ऑलमोस्ट 5-5:30 बजे तो बंद हो जाता है। हम आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा देंगे। और हमारे एक दोस्त है और भवानी के दोस्त है, उन्होंने अपनी गाड़ी का प्रबंध कर दिया है, तो भवानी ड्राइव कर रहे हैं। आप देखिए विंटेज पैलेस, ये पीछे होटल देख रहे हैं, ये विंटेज पैलेस है। अरे वाह, सुपर है यार, गोल्डन वर्क किया हुआ है। अब यहीं से गोलकुंडा फोर्ट स्टार्ट हो रहा है। हम लोग गोलकुंडा फोर्ट पहुंच गए, हैदराबाद में है। अभी 5:30 का टाइमिंग था, लेकिन अभी ट्रैफिक में लेट हो गया। हाँ, ट्रैफिक में लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं। और 6:30 लाइट शो है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, गोलकुंडा फोर्ट का है, काफ़ी बड़ा है। हाँ, काफ़ी बड़ा है। लाइट शो देखने के लिए, अभी देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ लाइट शो के लिए। देखिए कितने लोग जमा हो गए यहाँ। ओ हो हो हो, ये 120 ना 140 का सीटिंग वाले है, बहुत ज़्यादा है। और वहाँ देखिए वो 80 वाला तो अच्छा ही था यार, एकदम नज़दीक से बैठेंगे। लाइट शो कहाँ से देखिए,
अच्छा हमारा ये रामूजी फिल्म सिटी में एक ओपनिंग सेरेमनी और लाइट शो सब नहीं देख पाए थे, बट ये गोलकुंडा में हमको देखने को मिल गया। एक गुलशन था जलवा इस जगह रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर defying the ravages of time, the legacy of India's glorious past. Ye bina ye faseen, ye veerani. On behalf of Tourism Development Corporation, we convey our sincere thanks once again for viewing the Sound and Light show on Golconda Fort. कैसा लगा हमारा ये लाइट शो ऑफ गोलकुंडा फोर्ट का, ये जो हैदराबाद में है और एक घंटे का पूरा शो था। हमने थोड़ा उसके वीडियो क्लिप्स भी लिए जो आपको वीडियो में ऐड करके बताएंगे। क्यों कैसा लग रहा है भवन? ये अच्छा लगा, और एक घंटा कैसे निकल गया मालूम नहीं पड़ा। पूरा हिस्ट्री बताया, पूरी हिस्ट्री में वायलेंस ही वायलेंस है। हाँ, हिंदी और तेलुगु भाषा में भी होने वाला है 7:45 बजे। और आप जब भी आना चाहो आ सकते हो, दिन में भी आओ रात में भी आओ लाइट शो देखने के लिए, उससे पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाती है। Body, don't you get to meet people in my heart?